अंबर तू मेरी मॉम से शक कर रही? तेनू क्या लगता कि आज जड़ी तारा उल्टियां सीधी लगी हैं ये मेरे मॉम ने करवाया? वो भी आतिश नंबर मान ली। अंबर इन्हें कुछ ना कहो, ये इन्हों की कोई गलती नहीं है। नहीं मॉम, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये थोड़े इन्ना घिनौना इल्जाम किमें लगा सकती है? इसका जवाब मैं देना। आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी हो मेरे घर के होया। अवनी ने भी माया मैडम वाले इशारा नहीं कीता सी, बल्कि मेरे वाल कीता सी। मतलब फंक्शन च जो कुछ भी होया वो मेरे मैनेजमेंट का फेलियर है। मैं अवनी नू दस्या सी कि साढ़े इतने आने करके साढ़े क्लाइंट घट तो दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, साड़ी कंपनी चंगा काम कर रही है, इस करके मैनू ये शक सीगा कि कोई बंदा गड़बड़ जरूर कर सकता। तो जदों गड़बड़ हुई तो अवनी ने उसी ढंग ने रिएक्ट किया। आई एम रियली सॉरी मिस्टर अंबर, पर तुहानू इदां क्यों लग्या कि इस विच तुहाडी मॉम का नाम लिया जा रहा है? नहीं मेरे मतलब कहना मतलब वो नहीं सी। मैं कहना चाहता सी कि अवनी इनोसेंट है मिस्टर अंबर, तुझी खामा कौन है ते शक कीता। दीप किथे जा रहे हो तुसी? उथे हल्दी दी रस्म शुरू होने वाली है, सब थोड़ा वेट करें, आज चलिए। अंबर ब्रो की कह रही थी तुम? कुछ नहीं, माया आंटी के फेक हंजू जो देख के मेरे ते भड़क रहे थे। उदो सारिया चीजा च इन्हें समार ने, पर माया आंटी के मामले च इन्हें बेवकूफ क्यों बन जाते हैं? मैनू लगता मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट करता, तो अवनी तो एवं नजायज ही भड़क गया। मैनू लगता मैनू उन्हें गल करनी चाहिए। ब्रो चलो ना, फिर हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, आज चलते हैं। अब चलो ना, आ जाओ। अवनी जी आई एम सो सॉरी, तुहानू शॉक। नहीं नहीं, थानू सॉरी कहने की लोड़ नहीं है। इनफैक्ट मैनू तो थानू थैंक यू कहना चाहिए, तुम अंबर सामने मेरा साथ जो दिता, थैंक यू। पर तुम मेरे ना दुश्मनी वगैरह वाली कोई गल नहीं की थी, तो तुम ये सब झूठ क्यों बोलिया? क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता सी। हाँ पर क्यों, मैं गलत भी तो हो सकती सी। एक मिनट, तुम गलत नहीं सी अपनी की? सी आई नो इस मैरिज कुछ लोग ऐसा देने जिन्हें करके इस मैरिज कुछ भी हादसा हो सकता है, वो कुछ भी प्लान कर सकते, इसलिए तो हड्डा शक बिल्कुल सही है, तुसी गलत नहीं। कौन हले ये सब थानू किवें पता? तुसी एने श्योर किवें हो? आयुष्मान थानू इस सब बारे पता है ना? कौन हो तुसी? तुसी सानू पहला तो जानते हो? नहीं। फिर थोनू इस बारे किवें पता है? दसो ना प्लीज। डोंट वरी, मैं ख्याल रखांगा कि कोई हादसा ना हो सके। चलो उनमें चलते हैं, हल्दी की रस्म शुरू होने लगी, ठीक है? हाँ पर आई एम सो सॉरी अवनी, बहुत लेट हो गया, प्लीज मैं संभाल लूंगा, टेंशन ना लो, ठीक? संभाल लूंगा। ये आयुष्मान इतने सारे मामले में इतना पर्सनल ले रहे हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ तो पता है। अच्छा
हल्दी की रस्म शुरू होने तो पहला क्यों ना असी रिंग्स एक्सचेंज करवा लीए, ऑलरेडी काफी डिले हो गए, नहीं? हाँ हाँ, हुन तो आयुष्मान ने दोबारा डेकोर भी कर दिता है, शुरू कर दिया। हुन की करिए आंटी, खेल खत्म हो गया? ये तेनू लगता चाह, I'm not over yet, व्याह हजे बाकी है, ते इनू मारन दे चांसेस भी। हुन अपने खुसर खुसर बंद भी कर दो, पहले रिंग्स तो पालो। हेलो, हाँ जी जरूर पावांगे, पर उस तो पहला साड़ी एक शर्त है। अंबर वीर जी तो अवनी ने साडे लिए इन्ना कुछ किया, ते साड़ी शर्त यह है, एक प्रॉमिस चाहिए है कि साड़ी मैरिज तो बाद तुसी फॉरेन मैरिज करोगे। क्योंकि ये सिर्फ साड़ी विश नहीं है, मॉम दी भी यही विश है, राइट मॉम? बिल्कुल, मेरी तो एक इन्नी रीत सी कि अंबर व्याह करवाउण, पर इन्होंने एग्री नहीं किया। मैं ये भी शर्त रखी कि तुहाडा व्याह नहीं होने देंगी, पर फिर भी नहीं मन्ने। फाइनली मैं ही गिव अप कर दिता, एटलीस्ट अंगद दे व्याह की खुशी मेरी विश करके नहीं मरनी चाहिए थी। मॉम ने मेरी मैरिज दी इतनी खुशी है और ऐते मैरिज? माया कपूर ने अंगद दी मैरिज अंगद दी खुशी लिए मजबूर होके मन्नी सी? नहीं, ये झूठ है। माया कपूर किसी दी खुशी लिए कुछ नहीं करदी, सिर्फ अपनी खुशी लिए करदी। जे मन्नी है तो कोई ना कोई टेंशन होएगी। Congratulations. I know कि तुम मेरे अपसेट है, मेरी गलती सी कि तू मॉम दा नाम भी लिया, ते मैं हुणे ना सारी गल क्लीयर कर देना। अवनी जी, एक मिनट गल करनी थोड़े ना। जी अकृति, मैं आई। ठीक है, मैं लगता है कि माया कपूर ने इस व्याह वास्ते मजबूरी छां की थी। की तुसी क्यों पूछ रहे हो? दसो। हाँ, उन्होंने ये व्याह कदे मंजूर नहीं सी, पहला बहुत कुछ होया, मेहनता तरले दिमाग पक्का कोई प्लान चल रहा।
जे माया कपूर पहला इस विवाह वास्ते रेडी नहीं सी ना तो हुण भी नहीं होएगी। माया कपूर इन्नी आसानी नाल तां की मुश्किल ना भी नहीं मान सकती। इहदा मतलब तुसीं उहनां बारे कुछ जानदे हो? मैं ना पहला भी नोटिस कीता है जदों करंट वाली गल हुई सी उदों तुसीं कहा सी मेरा शक सही है। इहदा मतलब माया कपूर का भी काम हो सकता है। तुसीं माया कपूर नूं किवें जानदे हो? बहुत चंगी तरह जानदा। वो अपने मतलब लिए किसी नूं मरवाउण दी धमकी भी दे सकती है ते मरवा भी सकती है। वो इंसान नहीं डेविल है। अपनी मैं हुनी मेन स्विच बॉक्स चेक करके आया थी उसे सारी वायर्स गलत लगी हुई थी। तो अलर्ट रहना पैना। मैं लगता है इस विवाह दे विच कोई जान बुझ के अम्मी कितने अंबर ने आयुष्मान नाल मेरी गलबात सुन तो नहीं ली। हे माता रानी मैं अम्मी नाल कोई गल करनी। एक्सक्यूज मी मैं कोई गल करनी। की? मैं कहना सी के I'm sorry। ओ ताना ने कुछ नहीं सुनिया शुक्र है। पर आज ये सॉरी किवें कह रहे ने? अम्मी I'm sorry ना सॉरी। सॉरी क्यों? गलती तो मेरी भी सी। आई नो कि मैं तेनू बोलने का मौका भी नहीं दिता तो एकदम रिएक्ट करता वो लिए आई एम सॉरी। जे तू ऐसा नहीं मनेगी तो मैं कान फड़ के भी सॉरी कह सकता। सॉरी सॉरी जे तू हाले भी नहीं मनना ना तो मैं बच्चे वांग सेटअप्स करके भी सॉरी कह सकता पर तेनू मनना पड़ेगा। सॉरी सॉरी मैम सॉरी। तू सिचुएशन भी ऐसी ना कदे भी हस पैनी है कोई सॉरी कह रहा है हंसना थोड़ा चाहिए। सॉरी मैं कदे सोचा नहीं सी कि ये सीन देखने मिलेगा मैनू। I'm sure कि ये जो भी हो रहा है ना नॉर्मल नहीं है। शायद अंगद सही सी आई माइट बी मैं अपने लिए कुछ तो फील कर रहा पर कि ये प्यार की देख रहे हो? मैं देख रहा कि तू हंसते हुए कितनी सोहनी लग रही है ना। अग्नि ये नॉर्मल नहीं है कितने टिशू दी सही तो नहीं कह रहे से मैनू भी ये प्यार प्यार की बीमारी तो नहीं लग गई। सच्ची मेरे दिल में अंबली फीलिंग्स ने जे नहीं तो फिर मेरा दिल इन्नी जोर जोर ना क्यों धड़क रहा है? आदिशा जी लगता ये भी गए लगता इश्क हो गया है ना लगता इश्क हो गया। वो तो ठीक है अंगद जी पर जदों तक ये एक दूजे नूं अपने दिल दीआं फीलिंगां नहीं दसांगे उदों तक कोई फायदा नहीं।
इन्हां तो ना एक दूजे की फीलिंग्स ना इन्हां दे मूहों ही बुलवानियां पैणगियां। सारे काम कह दिते ते मैं हुण कल्ली किवें करांगी, इसलिए तुसी मेरे नाल चलो। तू जा, मैं आनी हां। नहीं, हुणे हुणे चलो चलो। इंसिडेंट बारे कुछ पता लगा तुहानू? हां, एक गल पता लगी आ। अब की पता लगा? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ? ਉਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਂਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਆਂਟੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਂਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਿਸ਼ੂ ਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਵਨੀ। ਆਤਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਰੇਗੀ ਆਂਟੀ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਆਤਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਿੱਕਾ, ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ। ਹੁਣ ਆਤਿਸ਼ਾ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਯੁਸ਼। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਹਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
अवनी ये की है ध्रुव कपूर? ध्रुव कपूर कौन है?